अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शहनाज और आज हम इस तरह की बेबी बूटीज बनाएंगे जो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। इसको मैंने 8 नंबर नीडल से 5 प्लाई बुलन से बुना है। बहुत ही इजी है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए मैं 5 प्लाई वुलन लूंगी जिसकी मोटाई कुछ इस तरह की है। ये देखें, 8 नंबर नीडल में फंदे डालेंगे हम कुछ इस तरह से। ये देखें, सबसे पहले ऐसे एक फंदा बना लेना है और उसे नीडल में उतार लेना है और ये वाले सिरे को हम किसी चीज में लपेट लेते हैं। फूल को इस तरह मोड़ते हुए फंदे बनाते जाएं। 35 फंदे हम बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 35 फंदे हैं। आइए अब हम इसकी बुनाई करते हैं। सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को पूरा करेंगे। लास्ट का जो स्टिच है उसे हम ऐसे उल्टा करके बुनेंगे। ये रो सीधा सीधा हमने बुन लिया है। अभी अगला रो देखें। दूसरे रो में हम फंदों को बढ़ाएंगे। ये वाले फंदे को हमें निकाल लेना है और इसको बुन लेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और यहीं पर हमें एक मार्कर भी लगा लेना है और आगे अब हम 15 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ऊपर है। ये 15 फंदे हमने बुन लिए हैं और इसके बाद साथ ही हमें यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे और उसके बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे और फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और फिर एक मार्कर लगा लेना है। अभी आगे हमें 15 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहां पर फिर से एक मार्कर लगा लेंगे ऐसे और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये 2 फंदे हमें बुन लेने हैं। एक को इस तरह से बुनेंगे और एक को हम उल्टा करके बुन लेंगे। ये जी हमारा दूसरा रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी तीसरा रो हमें सीधा सीधा बुनना है यहां तक और जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो हमें किस तरह से बुनने हैं वो भी देख ले। ये तीसरा रो है, फर्स्ट लूप को निकाल लेना है और सेकेंड को बुनेंगे और ये जो बढ़ाया हुआ फंदा है इसको हमें इस तरह से करना है। ये देखें ऐसे, और यहां से हम इसको बुनेंगे पीछे की तरफ से। मार्कर को दूसरी साइड करेंगे
और बाकी के 15 फंदे सीधे सीधे हम बुन लेंगे। ये देखें जी, ये 15वां फंदा था जो हमने बुना है, ठीक है। अभी मार्कर को इस तरफ करेंगे और ये वाले फंदे को फिर से हमें क्या करना है, ऐसे निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको कर लेंगे और पीछे की तरफ से बुन लेंगे। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं और फिर से हम इसे निकालेंगे और ये देखें ऐसे नीडल में इसको डाल लेना है और पीछे की तरफ से बुन लेना है। मार्कर को इस तरफ कर लेते हैं और बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे, 15 फंदे। ये 14वां फंदा है और ये 15वां है। ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फंदे हमने बुन लिए हैं और फिर से हम मार्कर को इस तरफ कर लेते हैं और ये वाले फंदे को हमें वैसे ही करना है, इसको ऐसे निकालना है, ये देखें ऐसे, और इस तरह से इसको नीडल में डाल लेना है, पीछे से हम इसको बुन लेंगे ऐसे। ये तीसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी चौथा रो बुनेंगे। चौथे रो में हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं, ये देखें, इसको निकाला और इसे भी बुन लिया, इसे भी बुन लिया और यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ा लिया। मार्कर को इस तरफ करेंगे और बीच के 15 फंदे हम बुन लेंगे सीधे सीधे। तेरह, 14 और ये 15। ये देखें, ये बीच के 15 फंदे थे यहाँ से जो हमने सीधे सीधे बुने हैं और अभी हमें मार्कर को इस तरफ कर लेना है और फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। ये जितने फंदे हमने बढ़ाए थे वो बुन लिए हैं 3 और फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और मार्कर को हम फिर से इसी सिलाई में डाल लेते हैं और ये देखें, ये 15 फंदे हैं यहाँ तक, ये हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये देखें जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। मार्कर को इस तरफ करेंगे और यहाँ पर फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और ये वाले 3 फंदे हम बुन लेंगे, 2 को सीधा बुनेंगे और 1 को उल्टा करके बुन लेंगे। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर 15 फंदे हैं, यहाँ पर 15 फंदे हैं। 15 फंदे बुनने से पहले ये देखें, यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ेंगे, ठीक है, और फिर 15 फंदे हम बुन लेंगे, यहाँ पर फंदे बढ़ाना है एक, फिर यहाँ पर बढ़ाना है, फिर 15 फंदे बुनेंगे और उसके बाद यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे और इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। एक रो में हमने फंदे बढ़ाने हैं और एक रो को हमें ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेना है।
तो इसे कंप्लीट करते हैं। 9 रो बुनने के बाद फंदे जो हैं वो हमारे बढ़ गए हैं। अभी हमारे पास जो फंदे हैं वो 51 है, वो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर 6 फंदे हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 6 फंदे हैं, 1, 2, 3, ठीक है। और यहाँ पर जो है 9 फंदे हैं, बीच में फंदे हमारे बढ़ गए हैं। टोटल फंदे जो हैं ये 51 हो गए हैं। 9 रो इसीलिए हुए हैं कि अभी मैंने जो है लास्ट का ये देखें, ये वाला रो जो फंदे बढ़ाने के बाद बुना जाता है वो मैंने बुन लिया है। तो यहाँ पर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और ये एक ऊपर है, तो 51 फंदे जो हैं वो हमारे हो गए हैं। ये इसीलिए फ्रेंड्स के इन फंदों को हमें 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। 17 फंदे इस तरफ आएंगे, 17 फंदे बीच में आएंगे, 17 फंदे इस तरफ आएंगे। तो इसी तरह आपको करना है अगर बड़ा या छोटा बनाना है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 4 रो और डालें, और बड़ा बनाना चाहते हो तो 8 रो डाल लें। तो इस तरह आप साइज के मुताबिक और फंदे बढ़ाओगे तो यहाँ पर फंदे जो हैं वो ज़्यादा होते चले जाएंगे और ये हमारे 3 हिस्सों में ही बटेंगे, ठीक है। तो आगे अब हमें क्या करना है वो देख लीजिए। आगे हमें उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुननी हैं। फंदे बढ़ाने के बाद मैंने ये जो बिना फंदे बढ़ाए हमने एक रो बुनना था वो मैंने बुन लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से उल्टी सिलाई बुननी है। ये 51 फंदे मुझे चाहिए थे, ये पूरा मैंने कर लिए हैं। यहाँ पर देखें, वो लास्ट का रो भी मैंने जो है बुन लिया है। यहाँ पर बड़ा हुआ फंदा आपको नहीं दिखाई दे रहा, और मार्कर को हम उतार देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें फंदे और बढ़ाने नहीं हैं। फंदे जो हैं फ्रेंड्स वो आप अपने साइज के मुताबिक ही बढ़ाओगे, और जब बढ़ा लोगे तो उसके बाद याद रखिएगा हमें उल्टी सिलाई बुननी है, जैसा कि मैं बुनकर आपको दिखा रही हूँ। ये उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुनी जाएंगी। ये हमें 6 बनानी है, ठीक है। ये देखें, ये पूरी सिलाई मैंने बुन ली है उल्टी उल्टी, और ये यहाँ से हमारी गिनती शुरू हो जाएगी। एक सिलाई हमने बुन ली है, एक रो हो गया है, और ये दूसरा रो हम बुनेंगे। उल्टा सीधा बुनते हुए मैंने 6 रो कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अभी हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाले फंदे को, ऊपर वाले फंदे को यहाँ से नीचे वाले फंदे के साथ हम मिलाएंगे, यहाँ से। ये वाले फंदे को ये वाले फंदे के साथ, ये वाले फंदे को ये वाले फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 कर देना है। ये देख लीजिए आप, ये नीचे के फंदे उठाने हैं
ऐसे, ठीक है। ये जो ये ऊपर वाला है ये नहीं उठाना, ये आपको नहीं उठाना, ये नीचे वाले उठाने हैं यहां से, ठीक है, ये वाले। तो आइए वो देखें किस तरह से आपको करना है। अगर आपको ये फोल्ड करने पे ये जगह जो है ज्यादा लगे तो आप एक दो जो रो है वो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बड़ा करना हो तो बढ़ा ले और छोटा करना हो तो कम कर ले। तो यहाँ पर देखें हमें ये वाला जो फंदा है इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे सीधी तरफ से ऐसे, और यहां से स्टिच को उठाएंगे। ये देखें ये स्टिच को उठा लिया हमने और इसे नीडल में उतार लिया ऐसे, और इसे भी डाल दिया, दो का एक करेंगे ऐसे। फिर से फंदे को हम नीडल में बिना बुने उतार लेंगे, और ये देखें नीचे की तरफ से ये फंदा हमें नहीं उठाना, ये देखें ये नहीं उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, और इसे ऐसे हम नीडल में डाल देंगे दोनों को, और दो का एक कर देंगे। उल्टी तरफ से बुनते हुए ये करना आसान है, लेकिन जब सीधी तरफ से ये देखें आप इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह देखेंगे तो इस तरह देखने से ये देखें ये आपको स्टिच सारे नजर आएंगे। अभी यहां पर देखें ये वाला स्टिच हम उठाएंगे, ये और इसे नीडल में उतार कर दो का एक कर देंगे, और फिर खाली स्टिच को बिना बुने लेंगे और ये देखें ऐसे खींच कर नीचे से, और ये देखें ये स्टिच हमको साफ नजर आ रहा है तो इसे हम उठा लेंगे, ठीक है। और दोनों स्टिच को नीडल में उतार कर दो का एक कर दीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार। ये देखें ये स्टिच हमें नीचे से साफ नजर आ रहे हैं, और यहाँ से उठाएं नीडल में डालें और दो का एक कर दें, तो ये देखें ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे पूरा यहां तक कर लेती हूँ फिर आगे बताती। ये देखें जी ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी ये देखें ये हमारी राइट साइड है, ये इस तरह से दिखाई देगा। अभी हमें क्या करना है, इन 51 फंदों को हमें तीन हिस्सों में बांट लेना है। वो किस तरह से हमें करना है वो देखें, यहां से बुनाई शुरू करेंगे और इस तरह से हम उल्टा बुनते हुए 17 फंदे बुनेंगे। ये दो हो गए हैं, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। ये 17 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हम 17 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अभी ये देखें ये भी हमारे पास 17 फंदे ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ और ये एक, और इन्हें भी हमें उल्टा करके बुनना है ऐसे। दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और ये लास्ट का है, इसे हम इस तरह सीधा करके बुनेंगे। ये रो हमारा इस तरह से बनेगा। अभी आगे देखें, ये रो हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से उल्टा बुनते जाएंगे। ये जो लास्ट का फंदा है इसे हमें उल्टा ही बुनना है, सीधा करके नहीं बुनना। ये देखें, ये रो हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरा कर लिया है। अभी सीधी तरफ आते हैं। अभी हमें ये देखें, यहाँ पर 17 फंदे बुनेंगे और यहाँ पर दो फंदों का एक कर देंगे। बाकी के सारे फंदे बुनकर लास्ट में यहाँ पर दो फंदों का एक कर देंगे और फिर से हम ये वाले फंदे 17 बुनेंगे। ये वाले फंदे हम इधर से भी और इधर से भी 17 17 ऐसे ही बुनते जाएंगे, और ये वाले फंदों में से दोनों तरफ से एक फंदा इस तरफ से कम करेंगे, एक फंदा इस तरफ से कम करेंगे जब भी हम सीधी तरफ से बुनेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से बुनाई शुरू करते हैं और देखें कि फंदे हमें किस तरह से कम करने हैं। ये देखिए, यहाँ से हम ये वाले स्टिच को ऐसे निकालेंगे और वूल को इस तरफ करके दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और ये देखिए ये 17, ये 17 फंदे हमने बुन लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, वूल को इस तरफ करेंगे और पीछे से इस तरह से दो का एक कर देंगे, एक फंदा कम कर देना है, और ये वाले फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये देखें ये 15वां फंदा है, और 16वां एक हमने पीछे कम कर दिया, और इसको हमें इस तरह से करना है। यहाँ से ऐसे इसको कम करेंगे आगे की तरफ से, पीछे वाले फंदों को आगे की तरफ से बुनते हुए बंद करना है और आगे वाले फंदों को पीछे की तरफ से ऐसे, और वूल को इस तरफ करेंगे और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और ये लास्ट का है, इसे हम सीधा करके बुनेंगे ऐसे। ये देखें जी, ये वाला रो हमारा इस तरह से बनेगा।
अभी हम उल्टी सिलाई को सारे फंदे उल्टा उल्टा बुनते हुए बनानी है। इसमें कोई फंदा कम नहीं करना, सीधा रो सीधी जो फंदे हैं कोई नहीं बुनने, सारे फंदे उल्टे बुनते हुए रो को पूरा करेंगे। ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी सीधी तरफ से फिर से हमें वही प्रोसेस दोहराना है। ये 17 फंदे यहाँ तक हम बुनेंगे, यहाँ पर 2 का एक करेंगे बाकी के फंदे बुनकर, यहाँ पर हम 2 का एक करेंगे फिर 17 फंदे बुनेंगे। ये देखें इसकी बुनाई मैंने कर ली है। बुल को इस तरफ करेंगे और पीछे से 2 का एक करेंगे ऐसे। ये चेन यहाँ पर बन जाती है इस तरह करने से। बाकी के फंदे यहाँ तक बुनेंगे और यहाँ पर फिर से 2 का एक करेंगे। अभी ये देखें ये लास्ट के 2 हैं, 17 ये बीच के जो फंदे हैं तो इनका हम 2 का एक कर देंगे। बीच के जो 17 फंदे हैं उनके शुरू में और लास्ट में एक एक फंदे को हम करते चले जाएंगे कम, और जो साइड के 17 फंदे हैं वो हम बुनते चले जाएंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। लास्ट के स्टिच को एंड तक सीधा करके ही बुनना है। ये देखें जी ये कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। ये बीच के फंदे हमें सारे ही कम करने हैं। जब हमारे पास बीच में 3 फंदे रह जाएंगे तो इन 3 का एक करेंगे, बाकी के सारे फंदे हमें एक यहाँ से और एक यहाँ से सीधी तरफ से बुनते हुए कम करते जाना है और उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। ये देखें जी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी ये बीच के 3 फंदे हैं जो हमें कम करने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 17 फंदे थे वो पूरे हम कम कर देंगे, 16 फंदे एक हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के 17 फंदों की अब बुनाई करते हैं और देखें बीच के 3 फंदे जो हैं वो किस तरह से कम करने हैं। ये देखें ये 17 फंदों की बुनाई मैंने कर ली है। अभी ये जो 3 फंदे हैं ये हमें इस तरह से बंद करने हैं ताकि ये जो चेन है वो ऐसे ही नजर आए जैसे पीछे नजर आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाले फंदे को निकालेंगे और ये वाले फंदे को भी, और ये यहाँ पर करेंगे हम। और इसको हम आगे की तरफ रखेंगे और इसे भी आगे की तरफ रखेंगे ऐसे। ये देखें ऐसे इसको कर लेना है और फिर हमें पीछे से बुनते हुए ऐसे तीन का एक करेंगे। ऐसे बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे।
ये देखें जी, ये जो रो था वो कुछ इस तरह से बन गया है। अभी हमें क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर अब हम एक उल्टा एक सीधा बुनेंगे ऊपर का बॉर्डर बनाने के लिए। एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। सीधा उल्टा बुनते हुए ये रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखें ऐसे, ये ऊपर का बॉर्डर है, इसे जितना चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा बनाएं या फिर बड़ा बनाएं। ये देखें, ये इस तरह से कुछ बनता चला जाएगा। तो आप इसको इतना भी बना सकते हो या फिर इतना बड़ा भी बना सकते हो। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये देखें जी, बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसके 22 रो हैं। यहाँ से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। और अभी हमें क्या करना है, इसे यहाँ से बंद कर देंगे सीधी तरफ से बुनते हुए। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, ये जो बंद करने के बाद चेन बनेगी पीछे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ 2-4 स्टिच को बंद करके। ये देखें, ये जो चेन बन जाती है, अगर आप इसको फोल्ड करके दिखाना चाहते हैं तो फिर इसको उल्टी साइड से बंद करेंगे। अगर आप इसको सीधा रखना चाहते हैं तो फिर सीधी साइड से इसको बंद करना, इस साइड से। मैं इसको फोल्ड करके दिखाना चाहती हूं तो फिर मैं इसे उल्टी साइड से बंद कर रही हूं। तो पूरे रो को इसी तरह सीधा बुनते हुए बंद करते जाएंगे। मैं इसे यहां तक बंद कर देती हूं। धागा जितना स्टिचिंग के लिए चाहिए मैंने काट लिया है और इस फंदे के बीच में से हम धागे को इस तरह से पास कर देंगे। चाहे तो आप सिलाई की मदद से भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो चेन है ये अभी उल्टी साइड से नजर आ रही है क्योंकि हमें इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसको पहनना है। अगर आप इसको जो है बॉर्डर को छोटा रखना चाहते हैं तो ये जो चेन है ये सीधी तरफ से बंद करते हुए यहां से दिखाइएगा, ठीक है। तो सीधी साइड से इसको बंद कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके जो है इस्तेमाल करूंगी, तो इसीलिए मैंने इसको उल्टी साइड से बंद किया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसकी स्टिचिंग करनी है बस, और कुछ नहीं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ये देखें फ्रेंड्स, हम इसे किस तरह से स्टिच करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये देखें, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, बस स्टिच में से स्टिच को लेते जाएं। ये जो चेन स्टिच है ये देखें, और इधर के चेन स्टिच हैं,
इस तरह इसको सिलते जाना है। ये देखें, और ये वाले, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखें, इस स्टिच को मैंने उठाया ऐसे ऐसे, और ये देखें ये वाला स्टिच। ओके, तो इस तरह आपको पूरी जो स्टिचिंग है वो कर लेनी है। ऐसे इसको करते जाएंगे, और यहाँ का जो एरिया है ये वाला, इसको यूं नीचे की तरफ रखेंगे और ऐसे इसको सिल देना है। जैसे हम पीछे सिल रहे हैं सेम वैसे ही सिल लेना है। और यहाँ तक स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से बैक स्टिच करते हुए मैंने यहाँ लाकर धागे को काट दिया है। ये इसकी उल्टी साइड है, और इसको अब हम सीधा करके देखते हैं। ये देखें, नीचे से जो है इस तरह से इसकी स्टिचिंग नजर आएगी। और ये पीछे का हिस्सा है, और यहाँ से यूं मोड़ने के बाद, और ये इसका नीचे का हिस्सा है, और ये देखें ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अभी हम इसको पहनकर देखते हैं कि पहनने के बाद ये किस तरह से दिखाई देगा। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।